रखना है। मेरा आज जो सेशन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल का। देखो सीधी सी बात है, बहुत लंबे समय आप लोग ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे खर्च कर दिए, 20 साल 25 साल 40 साल कितने समय लगा दिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। लेकिन दिक्कत क्या है, जिंदगी में रिजल्ट नहीं दिख रहा आप लोग को, हो रहा है सर? आप लोग देख रहे 20 साल की पढ़ाई के बाद भी जहां के वहां खड़े हुए आज तक, ठीक है, 20 साल की पढ़ाई के बाद भी आप लोग ये देख पा रहे हो कि मेरे लाइफ में वो नहीं हो रहा जो मुझे चाहिए था। मैं कंपनी में जाता हूं तो मुझे कंपनी बाहर कर देती है, लेती नहीं कंपनी, ठीक है। मुझे अपने पापा के साथ में कोई बिजनेस में काम करना होता तो पापा भी बाहर कर देते, बोलेगा तू बाहर जा कल से आना मत। तो ऐसा हुआ क्यों? 20 इयर्स 25 इयर्स करने के बाद आप अपने पिता के साथ काम नहीं कर पा रहे, आप अपने मामा चाचा के साथ काम नहीं कर पा रहे, आप अपने कॉर्पोरेट लेवल पे जाके काम नहीं कर पा रहे। आपको अगर कोई छोटा सा भी अगर जिम्मेदारी माँ बाप देते तो आप वो भी नहीं कर पाते कई बार, कि 5 घंटे के लिए अगर पापा बाहर है और दुकान आपके भरोसे छोड़ दी तो पता चला 20 ग्राहकों का नुकसान करा दिया, ठीक है। और पापा ने आके बोला क्या हुआ, 20 ग्राहक बोल रहे कि आपके बच्चे को तो बोलने का तरीका नहीं आता, आपके बच्चे को तो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आता, किसको बैठा दिया दुकान में? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई क्या है, प्रैक्टिकल है, ये आपको ध्यान देना है। और दुनिया की एक और बहुत बड़ी सच्चाई क्या है, वो है रिजल्ट। देखो दुनिया सिर्फ आपसे क्यों जुड़ी है, रिजल्ट के कारण जुड़ी है। आप हमसे क्यों आके जुड़ते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट दे पा रहे हैं। सचिन सर आपको क्या दे पा रहे हैं, तो आप आ रहे हो हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग रिजल्ट देना बंद कर दे तो क्या आप लोग आओगे विस्तार में? आप नहीं आओगे। आप फिर किसी ऐसे बंदे को ढूंढोगे जो रिजल्ट आपको दे पाए, और रिजल्ट दुनिया में वही दे सकता है जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा हो, ये आपको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आप लोग जो कहते हो कि भाई ये नेता मुझे अच्छा लगता है, ये सेलिब्रिटी मुझे अच्छा लगता है, वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको रियल लाइफ में रिजल्ट दे पा रहे हैं। और रिजल्ट इसलिए दे पा रहे क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकल में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किसने में ध्यान दिया, प्रैक्टिकल में ध्यान दिया। यानी आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी काम को पढ़ो कम करो ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा मत पढ़ो, उसको करके दिखाओ। हमारे टैली वाले क्या करें, ज्यादा थ्योरेटिकल में रट्टा ना रखे, उसकी जगह क्या करें, प्रैक्टिकल करके दिखा। CSIT वालों को भी मैं कहता हूँ थ्योरेटिकल रट्टा मत करो, कोडिंग कर करके देखो, रट्टा नहीं मारो, आप क्या करो प्रैक्टिकल करके देखो, क्योंकि दुनिया क्या मांग रही है, रिजल्ट मांग रही है। और अब यहाँ पे मैं दो बहुत बड़ी चीज आपको बताया जा रहा हूं, जो आपने देखा भी होगा, इन्फॉर्मेशन देने वाले की तो बहुत सारे लंबी दुकानें खुल गई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देने में कॉलेज स्कूल आया सबसे पहले, बोले मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, फिर कौन आ गया, कॉलेज आया, उसने कहा मैंने भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, तुमने कहा यस सर हमने ले भी लिया। अचानक यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी का सर मैं भी PhD दे देता हूँ, आपने कहा सर दे दो PhD की डिग्री पर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट भी आते हैं, बोलेगा चलो हमसे भी शॉर्ट टर्म कुछ कोर्स कर ही लो, आपने उससे भी क्या किया इन्फॉर्मेशन ले लिया, ठीक है। इतने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कायदे से तुम लोग को तो एकदम श्री रामचंद्र बन जाना चाहिए था, कि रावण पे एक ही बार में मारो, अर्जुन टाइप की आपके अंदर गति होनी चाहिए थी कि एक बार में उठा के क्या करो सीधे तीर मारो। लेकिन इतने सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया और तुम्हारी हालत क्या हो गई, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आपकी दुर्भाग्य था कि सबसे तुमने इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब रिजल्ट से कौन कौन मानता है, ये भी मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं कि रिजल्ट कौन कौन मानता है। अब दुनिया ध्यान रखिएगा सिर्फ प्रैक्टिकल की पुजारी है। अब जब आप जॉब में जाते हो, कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं जिंदगी में, उनको भी मालूम है सरकार कहती है प्रैक्टिकल हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि यार मैथ में बैठ कर समझा नहीं सकता। आप प्राइवेट जॉब में जाते हो, वो भी क्या मांगता है आपसे, प्रैक्टिकल, कहता है प्रैक्टिकल हो तो आओ, मोस्ट वेलकम, नहीं है तो भैया तुम घर जाओ, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर खुद का बिजनेस भी चालू करते हो तो उसके लिए भी क्या चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आता है तो बिजनेस चला लोगे, नहीं आता है तो भाई बिजनेस ही डूबा दिया, पूरे लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो सोसाइटी है वो उसको रिस्पेक्ट देता है जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है। आप देखना, आपके सोसाइटी में आप लोग किसी पार्टी में जाते हो, कोई बहुत बड़ा नेता आता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री आता है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आता है, उसकी बहुत ज्यादा पूछपड़क होती है, होती है। आप लोग भी पेन पेंसिल पेन लेके सर एक सिग्नेचर ले लो, ठीक है। तो उसको क्यों तुम लोग सैल्यूट करो, बिकॉज वो प्रैक्टिकल था अपनी लाइफ में। शाहरुख खान खुद में प्रैक्टिकल था, मोदी जी खुद में प्रैक्टिकल थे, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर में प्रैक्टिकल थे कि उन्हें सिर्फ किताबों में क्रिकेट खेलना सीखा, प्रैक्टिकल किया तो विराट कोहली बन गया, शाहरुख खान बन गया, सलमान बन गया, ठीक है, मोदी जी बन गया, क्योंकि उनने जिंदगी के धरातल में क्या किया, प्रैक्टिकल किया। तो दुनिया प्रैक्टिकल को पूछती है, थ्योरी को नहीं।
और यही कारण है कि आज भी आप जब पार्टीज में जाते हो या कहीं जाते हो तो कई बार ऐसा लगता नहीं कि कोई मुझे पूछता क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग थियोरेटिकली पढ़ते चल रहे थे, थियोरेटिकल की तो कोई पूजा करता नहीं है। ठीक है, कहीं भी जाओ तो पूछते कर क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, हाँ पढ़ क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो, ये मुझे बताओ। ठीक है, करते क्या हो। ठीक है, और आज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि सब दुनिया में प्रैक्टिकल मांग रहे हैं, तो प्रैक्टिकल को कैसे अपना जिंदगी का एक ध्येय बनाएं। कारण क्या है, हम स्टूडेंट्स ने और हमारी पूरी सोसाइटी ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाल ली। हम लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ते जाओ करते करने की कोई दिक्कत है ही नहीं। आज जितने भी कॉलेज स्कूल में एडमिशन होते हैं तो उन एडमिशन में बच्चा कई बार पहले आके सीधा बोलता है, सर क्लास तो नहीं लगेगी ना, सर क्लास तो नहीं लगेगी ना, सर रोज आना तो नहीं पड़ेगा ना, सर रोज पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना, सर रोज प्रैक्टिकल तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब बच्चा कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में जाके क्या करता है, वो पहले जुगाड़ जमाता है, सर प्रैक्टिकल तो नहीं करना होगा। वो क्या सोचता है कि मैं सिर्फ क्या करने आ रहा हूँ, मुझे थ्योरी करके क्या मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए और उस डिग्री के दम पे मैं ईगो दिखाऊंगा दुनिया को कि मुझे डिग्री मिल गई, फाइनली आई एम द ग्रेजुएट ऑफ बीकॉम, फाइनली आई एम द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी समाज की बहुत बड़ी बुराई क्या हो गई है कि हमारा समाज क्या करता है, समय हमारा समाज केवल थ्योरिटिकल के लिए जुगाड़ लगाता है, वो पढ़ाई भी नहीं करता। पढ़ाई भी कब करते, जब एग्जाम में तब सामने आ जाता है, तब पढ़ाई करके निकल जाते हो और रात के 3 बजे वाला फॉर्मेट भी लड़कों में चलता है, रात के 3 बजे पढ़ के निकलते हैं। ठीक है, शिवानी के नाम की तो सर वो चलती विद्या, शिवानी नाम की तो विद्या चल रही है, उसमें सबको पास करी है। ठीक है, तो बात क्या होती है, आपको थ्योरिटिकल के बाद डिग्री तो मिल रही है, पर एक्चुअल क्या है कि जिस दिन आपकी जिंदगी के मेन कार्यक्रम चालू होंगे, मतलब जॉब, उस दिन आपको कोई शिवानी बचाएगा क्या? नहीं। रात को 3 बजे बैठ के कितना काम कर लोगे, बॉस तो अगले दिन तुम्हें एकदम उड़ाई देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल से प्रेम को तोड़ने के लिए ही आज का ये मेरा सेशन है। आप थ्योरेटिकल प्रेम को तोड़ दीजिए जिंदगी में। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल प्रेम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग थ्योरेटिकल प्रेम करते हैं ना, उन लोग जिंदगी में 5 बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इन गलती को चाहो तो आप लोग लिख के भी रख ले। तो थ्योरेटिकल प्रेम करने वालों की गलती मैं आप बताने वाला हूं कि थ्योरेटिकल वालों ने क्या गलती कर दी। ठीक है, तो ये हमारे एक शख्स है, एक मुंह बनाते हैं, एक थोड़ा सा नाक भी बनाया और ऐसे हाथ पैर बना दिए दो। ठीक है, ये बंदा जिंदगी में, हाँ ये थ्योरेटिकल वाला है तो स्माइल कहां से होगी, और ये मैं एक प्रैक्टिकल बंदा बना रहा हूँ। ठीक है, जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल है। ठीक है, और साथ में ये बंदा हट्टा कट्टा भी है और बड़ा समाज में बड़ा पूजा जाता है। तो आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे कंपैरिजन देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, नंबर आप लोग बना लो, क्या पता आप लोगों को पता चल जाए किस की कैटेगरी में। हाँ, बना लो तो बना लो। ठीक है, चलो बना लो सभी फटाफट आज। हाँ, और कॉलेजों में भी पहले जाके कॉलेज को बोलते सर क्लास नहीं आ पाएंगे, पैसा कितना, क्लास नहीं आएंगे, तो ये वो बंदे हैं। ठीक है, ये वो बंदा है जो क्लास में हंसते हुए प्रैक्टिकल करता रहता है और फीस कम करा देता है। हाँ, और फीस भी कम करा देता है। ठीक है, तो आज इनके बीच में बहुत मजे की कैलकुलेशन आज होने वाली है। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल पर्सन की एक बात हम देखते हैं। जो थ्योरेटिकल पर्सन है, ये बंदा जिंदगी में क्या करता है, रिसर्च नहीं करता। देख लो, नो रिसर्च, ये कोई रिसर्च नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ पैसा देके डिग्री लेने के लिए आया है, कोई रिसर्च नहीं करता ये। ठीक है, हमारी क्लास वाले, हाँ कोई रिसर्च नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल बंदा ये क्या करता है जिंदगी में, करता है रिसर्च। लिखो इसके में, ये क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। थ्योरेटिकल वाला जो पर्सन है, इसको ईगो बहुत होता है। इसमें लिखो अगला, ईगो, इसको बहुत ईगो रहता है। देखना, जो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ना, इतना घमंड, मतलब उनसे अगर तुमने कह दिया कि अरे तुम क्लास जाया करो, पढ़ाई किया करो, डिग्री से लाभ होता है, अरे सर आप क्या जाने, हाँ आप क्या जानो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जिंदगी का, मुझे कितना काम करना पड़ता है, पापा तक को बोलता है अरे पापा आपका जाना, आपका जमाना जा चुका है। ठीक है, तो थ्योरी वाले भयंकर ईगो वाले होते हैं, इनको तो भगवान भी नहीं समझा सकता। अगर ऊपर से भगवान दिया जाए ना, तो वो थ्योरेटिकल वालों को नहीं समझा, अपने में लगे रहते अपने में लगे रहते। और प्रैक्टिकल वाला लिखो, दे आर फ्रेंडली,
प्रैक्टिकल वाले फ्रेंडली होते हैं, ये बात सुनेंगे, बात करेंगे और मदद भी कर देंगे, मदद भी करेंगे आपके बुरे वक्त में, ये याद है सामने कौन वाले जो प्रैक्टिकल लाइफ वाले होते हैं, ठीक है, तो फायदा उठा लेते, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल वालों के साथ लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो थ्योरेटिकल की, ये बंदा जो है ये रिजल्ट नहीं दे सकता, नो रिजल्ट, इसमें लिखो नो रिजल्ट, ये पैसा दे देगा, पैसा देगा, रिजल्ट दे देगा, वो जुगाड़ है। थ्योरेटिकल बंदे पर बंदा, अब मान लो गलती से कभी इसकी जॉब लग गई जे वाले बंदे की, ठीक है, तो जब इस बंदे की जॉब लगती है और जिस दिन बॉस ने कहा सुनो कुछ आइडिया आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, कुछ नया तुम्हारे दिमाग में आ रहा क्या, तो थ्योरेटिकल वाला बंदा कभी रिजल्ट नहीं दे सकता, नो आइडिया बोल के चला जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल वाला बंदा आइडिया देता है, इसमें देखो न्यू आइडिया, ये बहुत आइडिया बना के देता है, तो मैं किससे प्रेम करूंगा, इससे किससे, इससे ना कि भैया मुझे आइडिया दे रहा है, कई बार मेरा दिमाग बंद हुआ तो ये बंदा कर रहा है, नेक्स्ट आप लिखो इसमें, ठीक है, या नो अपडेट, थ्योरेटिकल वाला अपडेट कहा हो रहा है, व्हाट्सएप में अपडेट होता है, बस व्हाट्सएप अपडेट कर देता है, सारे ऐप अपडेट करता है, बस अपडेट करता, और ये प्रैक्टिकल वाला रेगुलर अपडेट करता है, वो यूट्यूब में कभी चैनल नहीं खोलता, वो यूट्यूब में चैनल देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे ये परफेक्ट, नो परफेक्शन, थ्योरेटिकल वाला परफेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जो बंदा किताब को पढ़ के शिवानी को पढ़ के पास हो रहा आप देखना, वो परफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब उस बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर आता है ना, जो बंदा थ्योरेटिकल होता है, एक बार गलती से क्लास में आ जाता है तो टीचर कहता है कि भैया तुम ऐसा करो, तुम जाके बाहर घूम खाओगे, सबके साथ हुई होगी, बहुत सही बोला। और आप बच्चा घबराता भी है कि मैं कैसे आ गया एकदम, हाँ, और टीचर घबराता मैं क्यों आ गया, बोले तो दोनों में से कहते हैं कौन जाएगा टॉस, ठीक है, टॉस में मतलब सिक्का भी सीधा खड़ा हो गया, अब आजू बाजू वालों से पूछता है सर कितने की क्लास है, हाँ ठीक है। और ये परफेक्शन क्योंकि इसके अंदर होता नहीं है, तो थ्योरेटिकल वाला पर्सन जो रहता है ना, इससे कोई उम्मीद भी नहीं करता। आप देखना आपके घर में वो बंदा जो सिर्फ किताबी ज्ञान ही लेके बैठा हुआ है, वो जो व्यवहारिक नहीं है, जो कभी मेन दुनिया में नहीं उतरा, देखना माँ बाप भी उनको काम नहीं देते। आप देखना दो लड़के हैं, एक लड़का बहुत चालाक चंड टाइप का, पूरी दुनिया घूमता है, प्रैक्टिकल ज्ञान उसको बहुत अच्छा, माँ बाप उसको काम देके जाते, बेटा तुम करो, बड़ा वाला कहता पापा मुझे क्यों नहीं देते, तुम समझोगे नहीं अभी, ठीक है, और एक लाइन मार देते पापा जब बाप बनोगे तब समझोगे, ठीक है, पापा इतना कहता जिससे बाप बनूंगा तब समझ में आएगा कि मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज था, ठीक है, ऐसा होता है। तो दो लड़कों में देखना, एक के ऊपर या एक बहन के ऊपर एक भाई के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बिकॉज वो क्या है, वो प्रैक्टिकल था, ज्यादातर मेरे काम में भी ऐसे ही होता है कि मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा दे देते हैं, हाँ, बच जाती है, तो प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं ना, तो रोज ही रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बोरिंग होते हैं, फुल बोरिंग, देखो थ्योरेटिकल वाले फुल बोरिंग होते हैं, ठीक है। ये गलती से जब कभी कॉलेज आते हैं ना, जैसे गलती से कॉलेज आ भी गए थ्योरेटिकल वाले, तो पकाते बहुत है सर, वो हाय हम लोग गले मिल लेंगे सब कर लेंगे, हाँ, पर उसके पर उसके क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे सबको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मदद करेंगे कुछ, ये फनी होते हैं। प्रैक्टिकल वाले क्या होते हैं, फुल फनी, जब तक उनमें मुस्कुराते हुए दिखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले की बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने दोस्तों के बीच में देखते होंगे, जो बंदा लैब्स में अटेंटिव रहता है, क्लास में अटेंटिव रहता है, जिंदगी में जो बंदा हमेशा एक्टिव दिखा, देखना ना उसके साथ तुम लोग को रहना बहुत अच्छा लगता है। सर मेरे एक एग्जांपल है, एग्जांपल मेरी लाइफ में ही है, जो लोग नहीं आते, जो आते हैं वो लोग मेरे साथ रहते हैं, काम को मेरे से पूछते हैं और मदद कर देता हूँ। लेकिन गर्ल्स का एग्जांपल है, जो नहीं आती है ज्यादातर, वो करती ये है कि वो पूछती है कि आज क्या सर ने पढ़ा है ये बता दो, मैं फोटो खींच और उसके बाद उसको मैं लिख लूंगी, फिर मेरे प्रोग्राम की भी फोटो खींच लेते हैं, फिर वो जाके कंप्यूटर उठा देते हैं। मैंने कहा कि कोई मतलब है क्या इसका? अच्छा, कई लड़के नोट्स इसलिए बनाते कि मुझसे दूसरे मांगे, यही बात है, लड़के मुझसे नोट्स मांगे, यही सही बात है। अच्छा, और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल वाले बंदे का, ये प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कुछ कर पाएगा, पर प्रैक्टिकल वाला क्या प्रोडक्टिव होता है, पैसे लिख लो नो प्रोडक्टिव, और ये बंदा है प्रोडक्टिव, ठीक है। अब मैंने आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में इतना बड़ा गैप आपको जो एक इमेज से भी बताया, इसका रीजन क्या था,
देखो हमने भी अपनी पूरी जिंदगी ना इसी बंदे को ही देख के बिताई, हम यही बने रह गए, हमने इस पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया पूरी जिंदगी। कितने लोग थे जो ऐसे ही मुरझाए चेहरे के साथ से पढ़ते चले गए 20 साल से, कितने लोग थे हाथ उठा जो सिर्फ थ्योरेटिकल में फोकस के प्रैक्टिकल देखा ही नहीं, उन्हें कहा हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे। कौन है? मैं भी था मेरा दोस्त था बिलाल। चलो और उस लोग ऐसे कर रहे जैसे बहुत प्रैक्टिकल में गुजार रही है, ठीक है, सिर्फ पढ़ते हुए चले आ रहे थे, ठीक है। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल्स को शुरू से एकदम देखा कि प्रैक्टिकल ही करना है, थ्योरेटिकल नहीं करना। मार्क्स क्यों कम आते हैं प्रैक्टिकल, उसका भी आप बता देंगे, इसका भी एक रीजन में बता दूंगा। मैंने सब प्रैक्टिकल किया, बताओ मैंने आज तुम्हारे किसी का सवाल का जवाब है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सभी ध्यान दे, एक बहुत बड़ी फैक्टर ऑफ लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिंदगी तो सिर्फ प्रैक्टिकल लोगों के द्वारा ही चल रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा बंदा जिस बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती आप उसको गाड़ी कभी दोगे नहीं, यानी जिसने प्रैक्टिकल गाड़ी चलाई हो उसी को हम गाड़ी देंगे, ठीक है। हम थ्योरेटिकल वाले को नहीं देगा, किसी ने बोला कि सर मैं किताबों में गाड़ी चलाई है, ये ले गाड़ी चला, मेन बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस चीज पे फोकस करें। मैं आपके सामने 5 बहुत बड़े फैक्टर्स रखने जा रहा हूँ, जिंदगी की 5 हकीकत जिसको बहुत अच्छे से सीखे और हमारे जबलपुर वाले बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि आप इन चीजों में सबसे ज्यादा पीछे होते जा रहे हो। पहली सच्चाई आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नाम उसी का होता है जिसके पास है हुनर दुनिया देख सके कि उसकी हुनर दुनिया देख पा रही है, ठीक है। आप संजीव कपूर की बात करें, संजीव कपूर बहुत अच्छे शेफ है, तो प्रैक्टिकल वो करते हैं, प्रैक्टिकल खाना अच्छा बनाते हैं तो दुनिया उनको सलाम करती है, ठीक है। आप श्रीराम को मानते हो, आप गुरु नानक देव को मानते हो, आप किसी भी शक्ति को मानते हो, वो प्रैक्टिकल के दम पे श्रीराम बने थे। राम ने कोई किताबों में रावण को नहीं मारा था, रियलिटी में रावण को मारा था, तो दुनिया आज भी उनके बारे में बोलती है, ठीक है। कृष्ण जी ने कंस को रियलिटी में मारा था, कोई किताबों में नहीं मारा था। सर ये एक राजनीतिक नेता के रूप में भी लिया जाता है, जो जर्नलिस्ट शुरू से संघर्ष करते हैं वो नेता कहलाते हैं, जो उनके पुत्र रहते हैं वो कभी नेता नहीं कहलाते। अरे ये नाम मत लो तुम, कोई भी पूछेगा तो यही बोलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, कि आपको प्रैक्टिकल इसलिए बनना पड़ेगा, इसका मैंने फर्स्ट रीजन आपको क्या बताया, दुनिया केवल इन्हीं की सुनती है उनकी नहीं, ठीक है। दुनिया में जितने भी ड्राइविंग फोर्सेस आज है वो सब प्रैक्टिकल लोग ही चला रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल वाले बंदे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आज दुनिया स्मार्ट एम्प्लॉय की है, ठीक है। आज लोग स्मार्टफोन, स्मार्ट गाड़ी, स्मार्ट एम्प्लॉय, स्मार्ट कपड़े, सब स्मार्ट वॉच, सब क्या चाहते हैं, स्मार्ट चाहते हैं। हर वो चीज जो स्मार्ट है वो तभी हो सकती है जब वो प्रैक्टिकली स्मार्ट हो, ठीक है। हमारे बीच में कई ऐसे लड़के और लड़कियां रहते हैं जिनसे बात तक ठीक से नहीं की जाती, वो बात करने में स्मार्ट नहीं है, वो व्यवहार बनाने में स्मार्ट नहीं है, वो किसी प्रोग्राम्स को चलाने में स्मार्ट नहीं है, एक मिशन अगर कुछ चलता है उसमें भी उनकी आजकल भागीदारी नहीं है। तो प्रैक्टिकल ना होने के कारण क्या स्मार्ट पर्सन आजकल खत्म होते जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है विगत 20 सालों की, एक मैं आपको एक हिस्ट्री भी बता दे रहा हूं, 20 इयर्स हो चुके हैं दुनिया में ताकतवर लड़का लड़की देखे हुए, ये बहुत दुख की बात है। 20 आज जो नेता हमारे देश को चला रहे हैं वो नेता पहले मेहनत करते थे तो आज चला रहे, आज कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई करता ही नहीं है। 20 साल से अच्छे टीचर नहीं मिलते, 20 साल से अच्छे खिलाड़ी मिलने मुश्किल होते हैं, 20 साल से समाज सेवा वाले नहीं मिलते, 20 साल से शहर के विकास के बारे में कोई बात नहीं करता, बस क्या बात करते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ के 20 साल से रह गया। तो आपकी यूथ इतनी कमजोर क्यों बन गई, आपने प्रैक्टिकल से रास्ता ही तोड़ दिया, ठीक है। तो आपको अगर ध्यान रखिएगा, इस समाज में अगर अपनी जगह बनानी है तो क्या बना है, प्रैक्टिकल्स को आप क्या करें ज्यादा तेजा एलिमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जिस कारण से प्रैक्टिकल ज्यादा जाना जाता है।